गाइज अभी स्काउट की इंस्टा स्टोरी देखी है एंड स्काउट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं दिस ईयर, और इसके रिलेटेड स्काउट ने स्टोरी भी शेयर की। 2024 इज गोइंग टू बी माय बेस्ट वर्जन, ट्रस्ट मी, जस्ट चैप्टर 1 हैज एंड, चैप्टर 2 इज इन प्रोग्रेस, फीलिंग सो पॉजिटिव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड आपको क्या लगता है गाइज, स्काउट भाई कम बैक करने वाले है क्या? आप बता सकते हो कमेंट्स में। और गाइज अभी इनसेन अरीना ने कोडल के न्यू लाइनअप पे रिएक्ट भी किया एंड बोला इस बार न्यू पॉइंट सिस्टम है एंड अपोलो भी खेलने वाला है एंड जेली ने कुछ तो न्यू स्ट्रेटेजी बनाई होगी। एंड ये पूरी क्लिप आप देखो भाई, यूज ऑन गॉडलाइक ये है कि सारे के सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, ठीक है, सारे के सारे प्लेयर्स इंडिविजुअली बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कल परसों नरसों इन्हें एज अ टीम कलेक्टिवली खेलना है अच्छा एंड स्लाइटली अग्रेसिव साइड पे जाना है, ठीक है, क्योंकि 10 पॉइंट सिस्टम है, 10 पॉइंट में सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। सर्वाइवल जब तक चिकन डिनर नहीं आता 10 पॉइंट से नीचे, मतलब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं सर्वाइवल के, और बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ऐसे लॉबी में। चौथे पांचवें सर्कल तक 50-60 बंदे बचते हैं, ठीक है, तो फाइट लेके खेलना पड़ेगा, एजेस खेलना पड़ेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर जेली ने स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस बार अपोलो का एडिशन है, और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी जब जब अपोलो खेला है तो टीम अच्छा ही खेली है। Not because कि अपोलो इंडिविजुअली बहुत अच्छा प्लेयर है, yes of course he is a great player, but टीम के साथ सिनर्जी भी सेट होनी चाहिए, और मुझे लगता है अपोलो उस वाइब में है जहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स ना अच्छा खेलेंगे साथ में। क्या बोलते हैं ना, एक पजल का हिडन मिसिंग पीस होता है, तो प्रॉबेबली अपोलो माइट बी दैट पीस जो जुड़ जाएगा और लैन है तो टीम भी बहुत अच्छा खेलेगी। ये तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।